एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। और जैसा कि आप सभी को पता है जेएनएम फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है और जेएनएम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है नेचुरोपैथी से चल रहा है। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें मैंने जल चिकित्सा पहले से बता दी थी, तो जल चिकित्सा के कुछ टर्म थे जिसको एक्सप्लेन करने बाकी थे। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन थी एनेमा को लेकर के, तो आज एनेमा को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। बाकी फिर बाद में जितने भी स्टेप बाय स्टेप जो भी वाटर थेरेपी है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एनेमा को समझ लेते हैं। एनेमा को अगर सिंपली अगर समझना है तो एनेमा गुदा बस्ती को कहते हैं। गुदा बस्ती का मतलब, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि पेट में दिक्कत है, डाइजेशन सही नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ एनेमा किया जाता है। एनेमा में मेन जो यूज होता है वो वाटर का ही होता है, तो एनेमा को हिंदी में हम गुदा बस्ती कहेंगे। सिंपली आपको करना क्या है वो हम बता देते हैं। उसके लिए आपको पेशेंट को उल्टा लिटा देना है, पेट के बल से लिटा देना है, और फिर सिंपली आपको क्या करना है, एनेमा ट्यूब ले लेना है। क्या लेना है? एनेमा ट्यूब मतलब कि एनेमा नली ले लेनी है। फिर उसके बाद से उस नली में सिंपली आपको पानी भर लेना है, और पानी की जो क्वांटिटी है 200 से 300 ml रहेगी। 200 से 300 ml पानी आपको लेना है, और एनेमा ट्यूब से उस पानी को एनस के रास्ते अंदर तक भर देना है, और कुछ देर बाद एनेमा ट्यूब को बाहर निकालना है। और ग्रेविटी के हेल्प से, मतलब कि जब पानी ऊपर जा रहा है तो हमेशा आपको पहले से पता है ग्रेविटी जो होती है, अगर पानी ऊपर की ओर है तो सिंपली वो हमेशा फोर्स नीचे की तरफ ही लगाएगा। तो जब एनेमा के हेल्प से हम एनस के रास्ते पानी इंटेस्टाइन तक पहुंचा देते हैं, तो जो बदहजमी हुई है, डाइजेशन सही नहीं हुआ है, वो सिंपली ग्रेविटी के हेल्प से बाहर उस पानी को क्या कर देता है, फेंक देता है। मतलब कि पेशेंट जो है अपने स्टूल के हेल्प से उस पानी को बाहर निकाल देगा। तो एनेमा हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पाइल्स हुआ है या फिसर है, फिसर मतलब भगंदर है, तो उनके लिए एनेमा सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज, एनेमा भी सबको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन क्लियर है। जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट में बोलेंगे, फिर मैं अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर दूसरी जो चीज है उसमें हम पहले ही आपको बता चुके थे कि बेस्ट ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि जो वाटर थेरेपी है उसमें बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से बताया गया था किस बॉडी पार्ट पे वाटर का यूज कैसे करना है। तो उसमें पहला जो पार्ट था उसमें होल बॉडी बात बताया गया था। होल बॉडी का मतलब सिंपली पूरी बॉडी को हम पानी में सिंक करेंगे उसके बाद से, या पानी को पूरी तरह से गीला कर लेंगे, वो होल बॉडी बात में आएगा। सिंपली इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, ना इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। लोकल बात में बताना है आपको, लोकल बात में जैसे सबसे पहला जो बात था वो फुट बात था। कौन सा बात था? फुट बात। फुट बात, तो फुट बात का मतलब पाद स्नान जिसको बोला जाएगा, जिसमें सिंपली पैर को ही पानी में डुबो करके रखना है। पानी जो है आपको एक टब में पानी लेना है, और टब में पानी 1:1 के रेशियो में रहेगा, 1:1 मतलब कि डेढ़ हिस्सा पानी रहेगा। मतलब कि डेढ़ लीटर अगर पानी कहेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे डेढ़ लीटर क्वांटिटी कम है, लेकिन सिंपली अगर टब में आपको पैर डुबाने भर का, आपके जो फुट है मतलब कि जो एंकल है उससे नीचे का हिस्सा वो डूब जाना चाहिए, उतना पानी आपको टब में लेना है, और उसको डुबो करके और रबिंग करनी है। एक पैर को दूसरे पैर पे धीरे धीरे सहलाना है जिससे फ्रिक्शन होता रहे, और जब ये फ्रिक्शन होगा तो सिंपली इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस में है, जो भी पेशेंट स्ट्रेस में है, उनको ज्यादा अच्छी तरह से क्या होगा, आराम मिलेगा। सिंपली फुट बाथ में आपको उन्हीं पेशेंट को बताना है कि जिनको ज्यादा स्ट्रेस है या ज्यादा पेन रह रहा है बॉडी में, तो आप उनको फुट बाथ करने के लिए बोलिए, और नीड जैसी है उसके हिसाब से आप वाटर कोल्ड ले सकते हैं या हॉट वाटर का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो बात है वो है आर्म बाथ। दूसरा बात कौन सा है? आर्म बात, जिसको हम हस्त स्नान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हस्त स्नान। इसमें भी सिंपली आपको वही चीजें करनी है, मतलब कि आपको आर्म का हिस्सा पानी में डुबो देना है और उसको भी रबिंग करनी है,
लेकिन इसमें यह चीज ध्यान रखना है आपको, इसमें बस हॉट वाटर का ही यूज करना है, हॉट वाटर का यूज करेंगे ना कि कोल्ड वाटर का यूज करेंगे, ठंडे पानी का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो बात है, थर्ड नंबर जो बात है उसको हम सीट्ज बात कहेंगे। क्या कहेंगे? सीट्ज बात। सीट्ज बात का मतलब मेहन स्नान। मेहन स्नान, मेहन स्नान का सिंपली ये मतलब है जिसमें आपकी बॉडी एक बोट के माफिक बन जाए, बोट जैसा बन जाए। आपको एक टब लेना है, लंबा टब होना चाहिए जिससे आपके घुटने बाहर रहेंगे और घुटने से पीछे का हिस्सा पानी में सिंक हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, लगभग 10 मिनट तक बॉडी को डुबा करके रखना है। अगर नॉर्मल पेशेंट है, मतलब कि सिंपली उसको बैक पेन है या कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ हिस्से को ही बस डुबा करके रखना है। और 10 मिनट के लिए, जो हम बताएं आपको कहां से, पेट और कमर के बीच का हिस्सा, पेट और कमर के बीच के हिस्से को हम पानी में डुबा कर रखेंगे 10 मिनट, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो। लेकिन अगर पेशेंट एबनॉर्मल है, अगर उसे बवासीर हुआ है, पाइल्स हुआ है या बगंदर है, तो सिंपली वो जो टाइमिंग है आपका 30 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 30 मिनट, जिसमें पेशेंट को वैसे ही बैठे हुए उस एरिया को हल्के हल्के रबिंग करके साफ करना है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की उसकी जो प्रॉब्लम है और पाइल्स में उसको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और नेक्स्ट जो बात है उसको हम बोलेंगे हिप बाथ। फोर नंबर जो बात है वो क्या है? हिप बाथ। मतलब आपको जो बात बताया जा रहा उसमें दो टर्म हम दिए हैं, जिसमें पहला जो था होल बॉडी और दूसरा था लोकल बाथ। हम लोकल बाथ के जितने भी काइंड्स हैं उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला हम बता चुके हैं, एक बार और फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। पहला जो था फुट बाथ, जिसमें सिंपली आपको पैर के आधे हिस्से को, बस फुट को, एंकल से निचले हिस्से को हमें पानी में डुबो करके रखना है, रबिंग करनी है, जिससे आपको राहत मिलेगी उन पेशेंट को जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और बॉडी टेम्परेचर जो है, पानी का जो टेम्परेचर है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको रखनी है। फिर आर्म बात बताएं, उसमें आर्म का हिस्सा ही डूबा होना चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तीसरा हम बताएं सीट्स बात, जिसको हम मेहन स्नान कहें, और मेहन स्नान का मतलब हम बताएं एब्डोमेन और जो हिप है उसके बीच का हिस्सा बस पानी में रहना चाहिए, बाकी आपका घुटना बाहर होगा, टब ऐसे ही रखना है, पीछे का हिस्सा आपका पानी से बाहर रहेगा, बस पेट और कमर का हिस्सा ही पानी में रहेगा। अगर पेशेंट नॉर्मल है, सिंपली बस उसको हिप में दर्द है या बैक में दर्द है, तो उसको 10 मिनट का बाद चाहिए, पानी ठंडा ही होना चाहिए। और अगर फिशर है या पाइल्स है, तो उस पेशेंट को हमें 30 मिनट तक टब में बैठने के लिए बोलना है, और जो फिशर वाला एरिया उसको हल्के हल्के वो अपने हाथ से रबिंग करेगा, जिससे राहत मिलेगी। और नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ नंबर, जिसको हम हिप बाथ बोले, हिप बाथ का मतलब जिसको हम कटी स्नान कहेंगे, हिप बाथ का मतलब कटी स्नान। तो हिप बाथ में भी आपको करना क्या है, एब्डोमेन और हिप, वहां से बीच का जो हिस्सा है, मतलब एब्डोमेन से नीचे का जो हिस्सा है वो पानी में रहेगा, थाई भी आपका पानी में आ जाएगा, लेकिन घुटना बाहर रहेगा। टब आपको ऐसा लेना है जिसमें आपके पीठ का हिस्सा ऊपर रहे और एब्डोमेन और थाई तक का हिस्सा पानी में आ जाए। उसमें लगभग पेशेंट को 15 मिनट तक रखने के लिए बोलना है, 15 मिनट पेशेंट रहेगा। और ये जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल इसलिए है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पेट में दिक्कत है, गैस आ रही है, तो उनको ये बात करना है। और ये भी जो है, जो लोग ज्यादा मोटापा है, जिनको जिनका टमी ज्यादा बाहर आ रहा है, तो वो भी इस बात से हेल्प में, अपने अगर आप ओबेसिटी कम करना चाहते हैं तो इस बात को हेल्प के रूप में ले सकते हैं। और इसमें भी 15 मिनट का टाइमिंग आपको बताएगा। ये जो बात है, ये भी बात पाइल्स और फिशर दोनों पेशेंट के लिए जरूरी है, 15 मिनट का बात है, जिसको हम हिप बात या कटी स्नान कहेंगे। लास्ट जो बात है स्पाइनल बात, तो स्पाइनल बात को हम हिंदी में बोलेंगे पृष्ठवंश स्नान। स्पाइनल बात को क्या बोलेंगे? पृष्ठवंश स्नान। पृष्ठवंश स्नान का मतलब क्या? सिंपली आपको ऐसा टब लेना है जिसमें बस आपका सिर बाहर हो और पूरी बॉडी, बैक जो है हमारा, पिछला हिस्सा पूरा पानी में डूबा हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल बाथ या पृष्ठवंश बाथ। इस बात को 5 से 10 मिनट तक करना है, 5 से 10 मिनट को, 10 मिनट तक करना है। और इसका जो बेनिफिट्स है, जो बैकेज जिसको हुआ है, बैकेज मतलब जिसको कमर दर्द है या पीठ में दर्द है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब कि अगर बैकेज की प्रॉब्लम ज्यादा किसी पेशेंट को है, तो आप बोलिए उसको कि आप स्पाइनल बाथ करो। स्पाइनल बाथ में सिंपली 5 से 10 मिनट तक पेशेंट को पानी में रखना है, पानी आपका गर्म या ठंडा हो सकता है, ज्यादा अगर दिक्कत है तो गर्म पानी में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पानी होना चाहिए जो पेशेंट को उतना ज्यादा गर्म न लगे, सिंपली वो आराम से उसमें बैठ सके।
और इसमें टोटल अगर सिंपली कोई अगर ज्यादा क्रिटिकल जो पेशेंट है, ज्यादा अगर दिक्कत है बैक, ज्यादा या ज्यादा दिक्कत है बैक में, तो उसको 30 से 45 मिनट का ये बाथ देना है, 30 से 45 मिनट का। और ये भी आपका स्ट्रेस कम करने के लिए हेल्पफुल है, और बैकेज में हम बता चुके हैं बैकेज में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो बात है वो सिंपली आपका वाटर के बेस के हिसाब से, वो अलग अदर बाथ में उसको हम गिनेंगे, किसमें गिनेंगे, अदर बाथ में। तो अदर बाथ में आपको सिंपली नाम हम बता देते हैं, बस आपको नोट करते जाना, जिसको थलासो बाथ कहा जाएगा। क्या कहेंगे, थलासो बाथ। तो थलासो इसलिए बोला गया इसको क्योंकि ये जो बात है सी वाटर के हेल्प से की जा रही है। किससे, सी वाटर से, मतलब कि सी वाटर में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो थलासो थेरेपी या थलासो बात बोलेंगे। तो थलासो थेरेपी किसमें की जाती है, सी वाटर में, थलासो थेरेपी। और इसका बेनिफिट्स क्या है, ब्रीदिंग, जिसकी अगर ब्रीदिंग कंडीशन सही नहीं है, तो अगर थलासो थेरेपी उसके साथ करते हैं, सी में बात कराते हैं, तो सिंपली उसकी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो सही चलेगी, और जो स्किन है वो ग्लो करेगा। स्किन में अगर सिंपली अगर स्किन में एक्जिमा है या रिंग वार्म है या दूसरी चीजें हैं, जैसे खुजली खुजली ज्यादा हो रही है, तो स्किन जो है वो सही हो जाएगी, तो उसको हम थलासो थेरेपी कहेंगे। दूसरा है उसको वर्लपूल बाथ, दूसरे बात को हम कहेंगे वर्लपूल बाथ। वर्लपूल से ही सिंपली आपको समझ में आ जा रहा हो कि वर्लपूल का मतलब हो गया ऐसा पानी जो मूव करता रहे गोल में, गोल में मूवमेंट हो उसमें, और उसमें पेशेंट को या जिसको ये बात करना है उसमें बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा टब लेना जो कुएं की जैसा गहरा हो, कैसा हो, कुएं के जैसा गहरा, और पानी मूव होना चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो का मोशन चलता है, मतलब कि पानी आगे और पीछे दोनों ओर घूमता है। लेकिन इसमें यह चीज ध्यान देना है कि पानी एक हिस्से से डायरेक्शन से क्लॉकवाइज घूमता रहे, लेकिन अगर दोबारा रिवर्स करेगा तो वो दूसरा चीज हो जाएगा। वर्लपूल में मतलब सिंपली जैसे आप सिंपली चक्रवात को आप अपने दिमाग में रख सकते हो, वर्लपूल बात का सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्लपूल बात जब बोलेंगे तो टब का हम टाइप बता चुके हैं, कुएं के जैसा ही गहरा, मतलब टब उसी के हिसाब से गहरा हो और उसमें पानी क्या हो, घूमता रहे, इससे भी पेशेंट को राहत मिलेगी। नेक्स्ट जो बात है उसको सौना बात बोला गया। सौना, सौना बात का मतलब सिंपली ये जो बात है क्लोज्ड या ओपन रूम में होगा, क्लोज्ड या ओपन रूम में, तो उसको हम सौना बाथ बोलेंगे। वो वहां पे गर्म और ठंडा दोनों पानी का हम यूज कर सकते हैं सौना बाथ में। लास्ट जो है उसको हम बोलेंगे स्टीम बाथ। लास्ट जो बात है वो क्या, स्टीम बाथ। इसमें स्टीम, जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमेशा बॉडी में पेन रहता है या जिन्हें जो हार्ड वर्क करते हैं उनको आराम चाहिए, तो उनको सिंपली मॉर्निंग में स्टीम बाथ लेना चाहिए। तो स्टीम बाथ भी बंद रूम में होगा, मतलब कि एक चैम्बर होगा जिसमें स्टीम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से स्टीम का जो टेम्परेचर है बनाया जाता है, और उसमें पेशेंट को कुछ देर के लिए बैठने के लिए बोला जाता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी थेरेपी करता है। स्टीम थेरेपी बोलिए या स्टीम वाटर बाथ बोलिए, तो उससे क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेस कम होगा, बॉडी में जो पेन रहेगा वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जो टॉपिक आज नेचुरोपैथी में बताई गई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक अच्छे से आपको नोट्स तैयार करना है, और स्टेप बाय स्टेप नोट्स होना चाहिए। सबको हम बता चुके कि आप जो हेल्थ साइंस, जो स्वास्थ्य वृत्त के लिए जो नोट्स आपने तैयार किया था, उसी में सारे टॉपिक आपको लिखने हैं। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर किस कॉपी में लिखेंगे, तो कॉपी वही रहेगी, सारी चीजें जो बताए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसी में लिखना है। तो नेचुरोपैथी का ये टॉपिक था जिसमें हाइड्रोथेरेपी में हम ये सब हाइड्रोथेरेपी के अंडर में ही बताया गया, जिसमें होल बॉडी बात है और फिर लोकल बॉडी बात को हम स्टेप बाय स्टेप बताएं। लोकल बॉडी बात में चार पांच बात बताए हैं, जिसमें फुट बात, आर्म बात, स्टीज बात, हिप बात और स्पाइनल बात बताया गया आपको। फिर उसके बाद से जो अदर बात है, अदर बात में भी हमने बताया है, जिसमें थलासो थेरेपी, वर्पूल, और फिर उसके बाद से सोना बात, स्टीम बात, ये सारी चीजें आपको बताई गई। तो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है। एनेमा अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, और एनेमा एनेमा के हेल्प, एनेमा ट्यूब के हेल्प से हम जो पाइल्स वाले जो पेशेंट है उनकी थेरेपी करके वो चीजें सही कर सकते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। क्वांटिटी हमने वाटर की बताई थी, 200 से 300 ml वाटर आपको उसमें यूज करना है। अब दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक आपका चल रहा है उसको क्लियरली आपको समझते हुए नोट्स कंप्लीट करते रहना है, और साथ ही साथ
जब नेचुरोपैथी में ये पूरी जो नेचुरोपैथी की जब क्लास चल जाएगी तो उसके बाद से हम जीवाणु पर्चे लेकर के चलेंगे। टाइमिंग अलग भी हो सकती है थोड़ा सा, अगर वीडियो लेट आता है तो आप परेशान मत होइए, आपको वीडियो मिलेगा ही रोज। एक कभी कभी गैप हो जाती है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस चीज को चाहेंगे कि वो जल्दी से कवर हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट जाए, आप मेरे वीडियो का वेट करें और आपको वीडियो ना मिले। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टाइमली आपको सब चीजें अवेलेबल करा दूं। तो जब ये नेचुरोपैथी कंप्लीट हो जाएगी तो जीवाणु पर्चे लेकर के चलेंगे, और इसके साथ ही फिर जैसे जैसे टाइमिंग मिलती जाएगी क्लासेस बढ़ती जाएंगी। और आपका जो टाइमिंग है, ऐसा नहीं कि हम जब आपको लिंक शेयर करें तभी आप आकर के यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखिए। जब लिंक शेयर करेंगे आप आके वीडियो देखेंगे तो मतलब सब काम हम ही करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो ही आप यूट्यूब खोलोगे या नेट ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप लाइक मत कीजिए, डिसलाइक मत कीजिए, जो भी है वो मत कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक कीजिए या ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए या शेयर कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। पढ़ना है पढ़िए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा किसने वीडियो अटेंड किया। तो प्रेजेंट आपको लिखना है, टाइप करना है उसमें, और जो कन्फ्यूजन है वो आपको हमसे पूछना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।